श्याम प्लीज जगदीश था क्या और सर तो देखो इतना सर्किट हमने कनेक्ट कर लिया था, अभी मुझे क्या करना है, हमें क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज चाहिए करंट एंड वोल्टेज की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करनी पड़ेगी वोल्टेज एंड करंट को। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस जिसको अपने रियोस्टेट भी बोलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एक वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है, और ये वायर अब इसके मिड वाले ऐसे करके कनेक्ट कर दिया, तो ये अपना सर्किट कंप्लीट हो गया। इस सर्किट को देख के अपने क्या करेंगे, इस डायग्राम को देख के मैं अभी सर्किट कनेक्ट करूंगा, सर्किट को कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, V एंड I की वैल्यू नोट करते जाएंगे, पहले V एंड I की एक वैल्यू नोट करेंगे, फिर रियोस्टेट से रेसिस्टेंस को थोड़ा सा चेंज कर देंगे जिससे इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दूसरी रीडिंग आ जाएगी, फिर इसको दोबारा से फिर हल्का सा चेंज करेंगे, तीसरी रीडिंग आ जाएगी, फिर हल्का सा चेंज करेंगे, चौथी रीडिंग आ जाएगी, तो इस तरह से तीन चार रीडिंग्स लेके ग्राफ बना लेंगे, वो ग्राफ अगर हमारा स्ट्रेट लाइन आया तो इसका मतलब हमारा ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया, अदरवाइज नहीं होगा, और आगे कुछ एक सिंपल कैलकुलेशन करके रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी भी निकाल लेंगे, ठीक है, तो अभी इसको कनेक्ट करते हैं सर्किट।